उत्तर प्रदेश के हथारस में युवती के साथ हुई दरिंदगी की घटना के खिलाफ सोलन जिला कांग्रेस कमेटी ने आंदोलन किया, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही लड़की के साथ घिनौनी हरकत कर उसकी हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस घटना से भाजपा का दोहरा चेहरा सामने आया है, जहां एक ओर भाजपा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारत में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, जो अब तक नहीं हो रही है। रोष प्रदर्शन के दौरान शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुशूद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में अनुसूचित जाति की लड़की हैवानियत का शिकार हुई है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और उत्तर प्रदेश पुलिस तथा प्रशासन इस जघन्य अपराध में अपनी सार्थक भूमिका नहीं निभा रहा है। उन्होंने कहा कि देश भर में महिलाएं और बेटियों की सुरक्षा राम भरोसे चल रही है। हिमाचल में गुड़िया को इंसाफ दिलाने को लेकर भाजपा ने आंदोलन तो किया था, लेकिन आंदोलन के नाम पर भाजपा सत्ता में आई और आज उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि आज तक गुड़िया को इंसाफ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा के चौकीदार सोते रहे हैं और युवतियों के साथ दरिंदगी की घटनाएं हो रही हैं, और ये दर्शाता है कि भाजपा पूरी तरह से असंवेदनशील हो चुकी है। जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो इसने वादा किया था कि महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा, और बार बार ये कहा जाता है कि देश सुरक्षित हाथों में है, और बार बार फेसबुक के ऊपर लोग पोस्ट डालते हैं, मैं भी चौकीदार। पर बड़ी हैरानी की बात है कि इतने सारे चौकीदार होने के बावजूद हमारे देश में इतने सारे प्रतिदिन बलात्कार किस प्रकार हो रहे हैं, और उन बलात्कारों के ऊपर वहाँ की सरकारों का रवैया और भी निंदनीय है। वो माँ जिसको बेटी को इतने दुख दर्द सहन करने पड़े और उसका सामूहिक बलात्कार हुआ, और उसके बावजूद भी उसकी माँ को, उसके परिवार को उसे देखने नहीं दिया गया, ये बहुत ही निंदनीय हरकत जो है योगी सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की रही है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, और साथ ही साथ मैं एक मांग जो है आज सरकार से करना चाहता हूं आप सभी के माध्यम से, कि ये अपराध इसी तरह बढ़ते रहेंगे अगर अब भी हमने इसका जो है कड़ा संज्ञान नहीं लिया। हमारी मांग है कि दोषी को कोई और सज़ा नहीं, सीधा फांसी होनी चाहिए और लोगों के बीचों बीच होनी चाहिए, ताकि उसका डर जो है लोगों के दिल में बैठ जाए और हर बंदा ये अपराध करने से पहले 100 बार छोड़ के लाखों बार सोचे। मेरा मानना है जब ऐसे लोगों को सबके सामने सजा दी जाएगी तभी जाकर जो है ये बंद हो सकता है। आज ऐसे भावपूर्ण समय में मैं ज़्यादा ना कहता हुआ उस बेटी को उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि एक और इस तरह से कभी कोई और की बेटी के साथ ऐसा ना हो। आज भी अगर कड़ा कानून बनाने में सरकार विफल रहती है तो मुझे लगता है महिलाओं से किया हुआ वादा वो 1% भी जो है वो इस समय पूरे देश में नहीं निभा पा रही है। ये बहुत निंदनीय काम है, शहरी कांग्रेस सोलन इसकी घोर निंदा करती है। कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ गुड़िया कांड हुआ था तो यहाँ बीजेपी वालों ने थाने तक फूंक दिए थे, परंतु आज जब यूपी के अंदर इतना कुछ हुआ है तो वही लोग चुपचाप बैठे हैं, कोई आवाज़ नहीं कर रहे। शायद बीजेपी पिक एंड चूज के फार्मूले पर काम करती है कि जो उसे अच्छा लगता है वो उस मुद्दे को उठा लेती है, और जो मुद्दा उससे अच्छा नहीं लगता है उससे वो पल्ला झाड़ देती है। गुड़िया कांड को लेकर हिमाचल में सत्ता में आई भाजपा सरकार उसी गुड़िया को इंसाफ दिलाने में आज तक असफल है। कुछ चंद महीनों में हमारे ऊपर, कांग्रेस के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते रहे, परंतु सत्ता में आने के आज 3-4 साल बाद भी गुड़िया कांड के हाथ खाली के खाली हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार अपने किए हुए वादों करने में बिल्कुल विफल है। न्याय की मांग करी है, परंतु न्याय देने वाले जो इस समय बैठे हैं, सरकारें जो बैठी हैं, ये तानाशाह सरकारें हैं जो किसी की भी आवाज़ नहीं सुनती है, अपने कानों में रुई डाल के बैठी है, और हिटलर राज जो है ना केवल हिमाचल प्रदेश में पूरे देश में चला रही है। कितने किसान सड़कों पर है, कितनी महिलाओं के साथ ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, पर इस सरकार, कल भी जो है मैं टीवी देख रहा था तो वो लड्डू खाने में बिजी थी, जहाँ की उन्हें महिलाओं की चिंता होनी चाहिए।